तो मतलब 1 लाख रुपए बयाना देके आपका ये हक जता सकते हैं घर पे अपना, कह सकते हैं ये आपका मंदिर जो कि इस गेटेड सोसाइटी में दिया हुआ है आपको। अब वहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ का आपको कॉर्नर का एक मकान दिखाते हैं अलग से स्पेशल आपके तरफ से। आपके वीडियो को कोई देख कर आता है तो मेरे तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी हब पे, जहाँ पे आपको हर बार लखनऊ के अंदर, लखनऊ के बाहर अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग दायरों में बने हुए मकान, प्लॉट्स और बाकी सारी चीज़ों के वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। आपकी जो डिमांड रहती है, आप डिमांड करते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग भी चीज़ें लाते रहते हैं, प्लॉट, चाहे वो प्लॉट एरिया हो, चाहे वो रेडी टू मूव हाउस हो। इस बार भी आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे आए हैं। रेडी टू मूव हाउस है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। और ये कह सकते हैं आप, जस्ट पीछे आप अपने देखेंगे, जस्ट पीछे मात्र 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, आपका फैजाबाद रोड टच है। और फैजाबाद रोड पर अच्छा, तो जाहिर सी बात है यहाँ की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सारी चीज़ों की जानकारी देंगे किसके साथ, तौसीफ जी के साथ। चलिए उनको बुलाते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं। तो तौसीफ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका, अपनी फैमिली को एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो इस बार पहली बात तो काफ़ी समय बाद आए। बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा? तो रीज़न यही रहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हो रहा था और अभी पूरा लगभग में 30 मकान हमारा अभी रेडी है, रेडी हो गया है। और पिछले वीडियो से आपसे पूछेंगे, रिस्पांस ठीक ठाक रहा? जी, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, कस्टमर विजिट और ये सब चीज़ें, अपनी फैमिली से भरपूर समर्थन मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या कुछ नया है, क्या फिट चौड़ी रोडे हैं, किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है यस पार्क सिटी। यस पार्क सिटी जी, ठीक है। और देवेंद्र भाई, यस पार्क सिटी लखनऊ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम 300+ रो हाउसेस बना रहे हैं और मेन फैजाबाद रोड से मात्र 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस है। फैजाबाद रोड कह सकते हैं, जाती तो फैजाबाद अयोध्या तक जाती है। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन, शालीमार पैराडाइज जो सफेदाबाद है, सफेदाबाद के पास में जो HP पेट्रोल टंकी है उसी के जस्ट बगल से हमारा ये रास्ता। और नियर बाई में यहाँ से फेमस चीजें पूछ लें, जैसे यहाँ पे हमारा नियर बाई फेमस में शालीमार पैराडाइज हो गया, आपका शालीमार मन्नत हो गया हमारा, उसके बाद हिंद इंस्टीट्यूट हो गया, BBD हो गया, किसान पथ हो गया, आउटर रिंग रोड हो गया, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सारे चीज़ हमारे पास, सारी चीज़ें हैं आपकी, BMW, मर्सिडीज, सारे जितने भी बड़े बड़े शोरूम हैं वो हैं आपके। और नियर बाई में बड़े बड़े स्वीट्स मिलेंगे आपको, BBD पास है, रामस्वरूप पास है, सारी चीज़ें पास है। आप यहाँ से ले कह सकते हैं 5 किलोमीटर के दायरे में सारा, इस लोकेशन पे कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑन हाईवे साइड, ऑन हाईवे से आप एक बार रोड देखेंगे, मतलब भर की चौड़ी, कितने फीट चौड़ी रोड? ये 40 फीट की रोड कंपनी ने, हम लोगों ने बनाया है। अच्छा, 40 फीट रोड है जी, ये 40 फीट का रोड ये हम लोगों ने बनाया है, कहीं 50 फीट का है लेकिन हम लोग 40 फीट का बनाया। अच्छा, मान लीजिए कोई लेता है तो बाद में आगे आगे की कोई समस्या नहीं, यहाँ से वहाँ तक पूरा लैंड अपना ही है? नहीं जी जी, ये रास्ता खुद से खरीदा है रास्ता, खरीदने के बाद पहले ये रास्ता बनाया है फिर हमारी मकान बनी है। जो आपने पूछा था ना कि लेट आने का रीजन क्या हुआ, तो पहले हम लोगों ने रोड बनाया। अच्छा, ये मामला अटका हुआ था। एक बार रोड हमने बनाया है। ये रोड कितनी चौड़ी थी आपने बताया? 40 फीट की रोड, 40 फीट रोड है। और जो वहाँ सोसाइटी के अंदर की रोड, अंदर की जो मेन रोड हो रही है, आपको चलते चलते दिखाते हैं। अंदर की जो रोड हो रही है वो 30 फीट की रोड हो रही है, और जो मकान के सामने की जो रोड हो रही है सर वो 25 फीट की रोड हो रही है। अब आपसे पूछेंगे किसके अंतर्गत आता है ये जो मकान है? ये सर ये बाराबंकी के अंदर में आता है, सफेदाबाद आपका जो जो क्या कहते हैं नवाबगंज तहसील, नवाबगंज तहसील है, वहाँ पे हमारी रजिस्ट्री होगी सर, वहाँ से रजिस्ट्री होगी। तो अभी नगर निगम में कह सकते नहीं है? नगर निगम में नहीं है सर। इन फ्यूचर हम लोग रेरा से अप्रूवल करने के लिए फाइल गया हुआ है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, विद इन 1 मंथ के अंदर ये सारा चीज आ जाएगी, अप्रूवल हो जाएंगे सारे, अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन फाइनेंस हमारे LIC से भी फाइनेंस हो जाता है, कई बैंकों से भी फाइनेंस हो जाता है, फाइनेंस के अवेलेबल 80 से 90% तक फाइनेंस हो जाता है। उसकी डिटेल हम आपको लास्ट में देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मकान की तरफ, अपना मकान दिखाते हैं। तो बेसिकली हमें कहें कि अपने कितने मकान यहाँ से वहाँ तक की सोसाइटी में, कितने यहाँ तक हम लोग अभी जो मकान का ये गेटेड सोसाइटी है 300+
मकान हमारे पास यहाँ पे 300 प्लस मकान, हाँ, मकान हमारा बनाना हाँ, है हाँ, बट जो अभी रेडी टू बूम हमारे पास हाँ, है 30 मकान हमारे पास अवेलेबल है। और फेसेस की बात करेंगे, फेस पूरा पश्चिम है सर, पूरा पश्चिम। इस साइड का भी जो लैंड है पूरा आपने, जी जी सर, यहाँ आगे से पूरा तर है। अभी जैसे हम 50 मकान ये साइड में पहले बना रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बनाने चले जाएंगे 50 मकान। अच्छा, ये मानिए किसी को यहाँ पे अगर लैंड लेके उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपसे करवाना तो उसकी अवेलेबिलिटी वो अवेलेबिलिटी नहीं, सिर्फ यहाँ पे लैंड ही होगा। अगर आप साइज बड़ा चाहोगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का मकान अवेलेबल है, अगर आप 1200 चाहते हैं, 1500 चाहते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन करके करवा के देंगे, लेकिन प्लॉट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो ये हो गई आपकी डिटेल, अब आपको चलते हैं अंदर दिखाने कि क्या क्या चीज़ें। पहली बात तो ये आपका एक ये गेटेड सोसाइटी कह सकते हैं, एक ये हो रही है, ये हो जाएगी। इसमें आपको सुविधाओं के मामलों में एक आपको वहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, जी जी, आप देखेंगे एक यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है एकदम लास्ट तक ये पूरी सोसाइटी। इसमें कितने मकान होंगे? ये हाँ, ये हमारा 5 मकान इधर है और 2 मकान इधर, 7 मकान होंगे, 5-5 मकान का ब्लॉक है। तो ये हो गया आपका मंदिर जो कि इस गेटेड सोसाइटी में दिया हुआ है आपको। अब वहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ का आपको कॉर्नर का एक मकान दिखाते हैं। तो बात करी जाए मकान का, जो फ्रंट है 23x43 का फ्रंट है, 23 इसका फ्रंट है और डेप्थ इसकी 43 है 43। चलिए, आप टोटल 1000 स्क्वायर, जी जी, टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया पूछेंगे इस पे कितना है? जी 1250 सर। ये सबसे पहले आपका आ गया ये कार पॉर्च का एरिया, जी जी जी, जो कि काफी स्पेशियस लग रहा है। यहाँ पे आपको इन्वर्टर स्पेस दे रखा है। तो आसिफ जी, इसका साइज पूछेंगे, क्या साइज होगा इसका? 12x13 का प्रीमियम साइज है सर, पोर्च का 12x13 का, जी जी, बहुत अच्छा। और इनमें अगर हम टायर्स की बात करें तो कौन सी कंपनी की लाइट टायर्स? कजारिया का, सारी चीज ब्रांडेड लगा के दे रहे हैं। कजारिया के टायर से हैवी आपके ये लोहे के गेट लगे हुए हैं। बगल में आपका ये बाइक पोर्च का एरिया हो गया, समरसेबल हमने लगा के दिया। सबसे खास बात है कि समरसेबल जो है वरुणा का रहेगा सर। अच्छा, वरुणा का और 250 का नाम है, 250 फीट नीचे है, 250 फीट नीचे है सर। चलिए, तो ये आपकी 250 फीट नीचे समरसेबल है आपका, पानी की आपको कभी समस्या नहीं होगी। कजारिया की आपकी टाइल्स है, दो बाइक आप यहां से आप आराम से रख सकते हैं। चलिए, और आप गार्डनिंग करना चाहे, छोटे से लॉन लगाना चाहे तो वो कर सकते हैं। दो एंट्री आपको मिलती है, एक एंट्री आपकी ये है, एक एंट्री आपकी वो है। यहाँ पे डबल डोर के दरवाजे दे रहे हैं, अभी सिंगल लगा हुआ है। डबल डोर के यानी जो पहले तो हम लोग नेट वाली जाली वाली देंगे, जाली वाली जिससे गर्दे वगैरह कीड़े मकोड़े से आपको बचते रहे, और दूसरा जो दरवाजा रहेगा वो हमारा। इन सब की क्या वारंटी गारंटी रहती है? प्रिंट वाली चीज होती है मकान में, अगर कुछ भी होता है तो 6 महीने के लिए हम पूरा सर्विस आपको देंगे। लेकिन जो ब्रांडेड चीजें होंगी, जैसे टाइल्स हो गया, वायरिंग की बात हो गई, पेंटिंग की बात करी जाए तो ये पूरे रॉयल शाइनिंग की पेंटिंग, ये वॉलपेपर नहीं है सर, ये टेक्सचर आपके हिसाब से हम डिजाइन करके भी हम दे देंगे। दूर से देखने पे वॉलपेपर लगेगा, बट ये टेक्सचर जो कि किस कौन से पैटर्न रॉयल शाइनिंग का है। और इसमें अगर हम टाइल्स की बात करें, सबकी कजारिया के टाइल्स हैं, और इनमें हम वायर और स्विचेस की बात करें, आरआर, जी जी, चलिए आरआर के स्विचेस हैं और आपकी कजारिया की टाइल्स हैं, मतलब भर का आपका बड़ा विंडो है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, फॉल्स सीलिंग काफी खूबसूरत दी हुई है, यहाँ से एक अलग डिजाइन दिया हुआ है। अब आप थोड़ा आगे आएंगे, किचन उससे आगे ही आते हैं, आपका किचन प्लस डाइनिंग पड़ जाता है। किचन का जो साइज है 7x9 का है, 7x9 का, जी जी। ये हो गया किचन प्लस डाइनिंग, इसमें भी फॉल सीलिंग आपको अलग ही डिजाइन दी हुई है, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर दिया हुआ है। और इसी के बगल में तो आसिफ जी कह सकते हैं ये इंडियन टॉयलेट हो जाएगा। इस टॉयलेट की अगर हम बात करें तो क्या साइज होगा इसका? 6x6 का। पहला रूम ये पड़ जाता है जो कि मास्टर बेडरूम है। थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि प्रॉपर रोशनी भी कह सकते हैं, अभी काम चालू है ना, काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइट डिम है, इस समय लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर पे चल रहा है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा लाइट डिम है। ये आपको एक कबर्ड दे रखी है, जी जी, फॉर सेलिंग आप देखिए कितना, इसमें भी फॉर सेलिंग लगा के रखा हुआ है, और साथ में हम वार्डरोब भी आपको दे रहे हैं। अलग अगर कोई बनवाए तो इस वार्डरोब का कॉस्ट क्या आ जाता है? 5-6 हज़ार रुपये तो इतना ही जाता है मिनिमम। चलिए, तो ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री में एक तरीके से मिल रहा है। चलते हैं बाहर, आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। तो आसिफ जी, सारे ही हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपने फॉल सीलिंग दी है, सब पे अलग पैटर्न, अलग टेक्सचर, बिल्कुल हमने करा के दिया है, बिल्कुल। बट फिर भी अगर हमारा कस्टमर चाहता है चेंज कराना तो वो हम चेंज करा देंगे, उसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं, उसी में है इंक्लूड। चलिए, एक रूम आपका ये हो गया, कह सकते हैं मास्टर की बेडरूम ये भी है, सेम साइज है दोनों का, जी जी, सेम साइज है 11x11। चलिए, एक 11x11 का ये सामने आपका ओटीएस एरिया दे रखा है। अब ये पूजा घर समझ लीजिए, या आप स्टोर रूम बना लीजिए इसको, इसको चलिए। एक स्पेस ये भी दे रखा है, 11x11 आपका खाली ये इतना आता है। इसके बाद एक स्पेस आपका ये है, एक स्पेस आपका बगल में वहाँ पे है, दो स्पेस आपके मिलते हैं। फॉल सीलिंग का डिजाइन इस पे भी आपको काफी खूबसूरत पैटर्न दिया हुआ है,
तौसीफ जी से आइए, एक बार मिलिए, पर्सनली बात कीजिए, आपको सारी जानकारी अच्छी मिलेगी, रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा। आप चलिए, आपको ऊपर का रूम, ऊपर का छत का एरिया दिखा देते हैं तौसीफ जी, इससे पूरी सोसाइटी दिखती है वहाँ से। और इससे अगर हम ऊपर की बात करें कि ऊपर में हम कितने मंजिल तक बना सकते हैं, कितने आराम से बना सकते हैं, हम लोगों ने कॉलम वगैरह जो पिलर होता है ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। जी जी, हाँ, पिलर छोड़ रखा है। ये मुंटी है, मुंटी में एक्स्ट्रा देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा हॉल टाइप भी बना के रखा हुआ है कि अगर कोई आदमी आए तो बैठ सकता है आराम से। 1000 है, 1200 square feet, 1250। अब ये हो गया आपका छत का एरिया। हम लोगों ने खुद का कॉलम भी दिया हुआ है, जो आपने सवाल किया था ना कि इसके ऊपर कितने फ्लोर थे, 3 फ्लोर तक आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने कॉलम दिया है, कॉलम दो अगर ये पिलर आपके हैं। जी जी, ये दो पिलर निकले हैं आपके। जी जी जी, कॉलम आप देख रहे हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि एक सिंगल आपका खुद का, ये पर्सनल जो भी दीवार है आपके सारे खुद के रहेंगे सर, ताकि किसी को ये ना लगे कि यहाँ सिंगल दीवार पे उठा दिया। चलिए, तो मजबूती के मामले में भी आपको दिखा रहे हैं और लोकेशन के मामले में भी आपको सारी चीजें पास पड़ेंगी, कह सकते हैं। ये देखें, ये आपका कौन सा स्टेशन पड़ता है जी सर? कौन सा स्टेशन पड़ता है? सफेदाबाद। सफेदाबाद स्टेशन नियर बाई है और गोमती नगर कह सकते हैं, बहुत करीब है स्टेशन ना यहाँ से, बहुत करीब है। चलिए, बड़ी बड़ी हब यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। तौसीफ जी थे हमारे साथ जो पूरी इसकी डिटेल दे रहे हैं। अब तौसीफ जी एक बार आपसे पूछेंगे क्या प्राइस कोट कर रहा है। ओके सर, अभी जो हमारा ये प्राइस है 46 लाख का है, क्योंकि हमारा प्राइस ये लगभग में 50 लाख हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा 50 मकान जब तक बिक नहीं जाता तब तक हम लोग ये प्राइस 46 लाख रखने वाले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट की बात करी जाए तो 17 मकान हमारे यहाँ पे बुक हो चुके हैं सर। 17 मकान बुक हो चुके हैं। अभी जो आपके वीडियो के माध्यम से आ रहा है उनके लिए जो प्राइस रहेगी सर 46 लाख रहेगा। 46 लाख, और उसके लिए हमारी फैमिली से अगर कोई आता भी है तो क्या सम्मान रखेंगे हमारा, कुछ कम होगा या नहीं? बिल्कुल कम होगा ना, कसम खा के मैंने नहीं बैठा हूँ सर, कसम खा के कोई नहीं बैठा। कुछ अलग से स्पेशल आपके तरफ से, आपके वीडियो को कोई देख कर आता है तो मेरे तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट रहेगा, वो गिफ्ट क्या रहेगा आपके 3-4 तरीके से फायदा हो रहा है। एक आपका वार्डरोब हो रहा है, एक आपका ये गिफ्ट हो रहा है, दूसरा चिमनी भी हम आपको लगा के दे रहे हैं, तीसरा फैजाबाद रोड 50 मीटर की दूरी पे है, मेन ऑन हाईवे से ये प्रोजेक्ट है सर। सबसे अच्छी बात यह है कि दो पार्क है ना, चारों तरफ से बाउंड्री गार्ड हमारे पास है, यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, तो सारी सुविधाओं को हम लोग देखते हुए गार्ड सीसीटीवी कैमरा सारी फैसिलिटीज सारी सुविधाएं दे रहे हैं मात्र 46 लाख में। मात्र 46 लाख में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। 80 से 90% तक हमारा फाइनेंस है। तो मिनिमम किसी को डाउन पेमेंट या बयाना देना हो तो कितना देना पड़ जाएगा? 1 लाख रुपए दे के बुकिंग माउंट कर ले, बाकी फाइनेंस करा ले। मतलब 1 लाख रुपए बयाना दे के आपका ये हक जता सकते हैं घर पे अपना, कह सकते हैं 1 लाख रुपए बयाना दे के आप फाइनेंस आप करा लीजिए। फाइनेंस कह सकते हैं, वो सिविल बैंक निर्धारित करता है कि कितना आपको फाइनेंस करके देंगे। हाँ, प्रोफाइल पे मैटर करता है। तो ये थे रॉ हाउसेस अपने यश पार्क सिटी के नाम से। फाइनल आपको ये 46 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तौसीफ जी हमारे साथ थे, काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है, 4-5 किलोमीटर में नियर बाई में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्प्ले आपको स्टार्ट में एंड में हम देते रहते हैं, तौसीफ जी का नंबर है 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, नहीं होंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं, हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी वही है, आप व्हाट्सअप पर भी आप कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप का लिंक भी दे दिया जाएगा साथ में। चलिए, तो ये थी डिटेल, तौसीफ जी थे हमारे साथ जो आपको इस मकान की डिटेल दे रहे। तौसीफ जी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी फैमिली को कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं ना। बिल्कुल। चलिए, तो ये थी डिटेल आपकी। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो, चाहे वो लखनऊ के अंदर हो चाहे लखनऊ के बाहर हो, हम आप तक लेके आते रहते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।